हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम विनेश सिंह और मेरे यूट्यूब चैनल टेक्निकल रघु पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो पर मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि आप अपनी वीडियो के बैकग्राउंड को कैसे चेंज कर सकते हैं। जैसे आप अपनी वीडियो को कहीं पर शूट करते हैं, जैसे दीवार के पीछे या फिर और कहीं, तो उस वीडियो के बैकग्राउंड को आप चेंज कैसे कर सकते हैं, इस वीडियो पर मैं आप लोगों को यही बताऊंगा। सो वीडियो को पूरा देखना। दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर फॉलो करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों, इसके लिए आपको एक एप्लीकेशन की जरूरत पड़ेगी जिसका नाम है कान मास्टर प्रो। ये एप्लीकेशन प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, वहाँ से जाकर आप इंस्टॉल कर सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि आप अपनी वीडियो के बैकग्राउंड को चेंज कैसे कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं इस एप्लीकेशन को ओपन कर लेता हूँ। दोस्तों, सबसे पहले आपको ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा। अब यहाँ पर लेफ्ट साइड में बीच वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब दोस्तों, यहाँ से साइज सिलेक्ट करेंगे। अब दोबारा फिर प्लस के आइकन पर क्लिक करेंगे। दोस्तों, एक और बात, आपकी वीडियो का बैकग्राउंड ग्रीन कलर का होना चाहिए। जैसे आप अपनी वीडियो को किसी दीवार के पीछे शूट करते हैं तो उस दीवार का कलर ग्रीन होना चाहिए, या फिर उस दीवार पर आप ग्रीन कलर का पर्दा भी लगा सकते हैं। अब दोस्तों, राइट साइड में सबसे ऊपर मीडिया पर क्लिक करेंगे। यहाँ से दोस्तों हम उस बैकग्राउंड को लगाएंगे जो अपन लगाना चाहते हैं। यहाँ से दोस्तों मैं इस बैकग्राउंड को लगा लेता हूँ। राइट साइड में सबसे ऊपर राइट साइड पर क्लिक करेंगे। अब दोस्तों ये लग चुका है। अब दोस्तों इस लेयर पर मैं क्लिक करके इस लेयर को थोड़ा बढ़ा लेता हूँ। दोस्तों इसको मैं आप प्ले करके देखता हूँ। देखिए दोस्तों, ये बैकग्राउंड थोड़ा हिल रहा है। इसको ठीक करने के लिए इस लेयर पर क्लिक करेंगे और इस राइट साइड में सबसे ऊपर बीच वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे जो क्रॉपिंग का है। अब दोस्तों यहाँ पर बराबर पर क्लिक करेंगे। अब दोस्तों राइट साइड में सबसे ऊपर राइट के निशान पर क्लिक करेंगे। अब देखिए ये नहीं हिल रहा है। अब दोस्तों वीडियो इस पर वीडियो लगाने के लिए इस लेयर पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर सबसे ऊपर मीडिया पर क्लिक करेंगे और मैं यहाँ से अपनी वीडियो ये लगा लेता हूँ। जैसे दोस्तों मैंने ये वीडियो लगा ली, अब यहाँ से साइज को सिलेक्ट कर लेते हैं। अब दोस्तों ये बहुत सारे आपको ऑप्शन मिल जाते हैं। अब मैं यहाँ से क्रॉपिंग पर क्लिक करता हूँ। तो दोस्तों मैं इसको क्रॉप कर लेता हूँ। ये देखिए दोस्तों, क्रॉप हो चुका है। अब दोस्तों फिर एक और बार इस पर क्लिक करेंगे। अब दोस्तों स्लाइड करते हुए नीचे की तरफ जाना, यहाँ पर क्रोमा की का आपको ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर क्लिक करना है और दोस्तों इसको इनेबल कर लेना है। अब दोस्तों यहाँ पर ये ऑप्शन मिल जाते हैं, जैसे मैं इसको कर लेता हूँ। ये देखिए दोस्तों, बैकग्राउंड हट चुका है। अब राइट साइड में सबसे ऊपर टिक पर क्लिक करूंगा। अब दोस्तों इसको मैं प्ले करके देखता हूँ। देखिए दोस्तों, ये मेरे पीछे का बैकग्राउंड हट चुका है और ये बैकग्राउंड में जो मैंने अभी अभी लगाया ये व्हाइट कलर का, वो दिख रहा है। अब दोस्तों यहाँ से इसको डाउनलोड करने के लिए राइट साइड में सबसे ऊपर तीर वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। यहाँ से दोस्तों इस पर क्लिक करेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर आपको चार ऑप्शन मिल जाएंगे, इसमें से बीच वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, शेयर वाले ऑप्शन पर। यहाँ पर दोस्तों आपको ये ऑप्शन मिल जाएंगे, यहाँ से वीडियो का साइज मिल जाएगा, जैसे QHD है, Full HD है, HD है या SD है। यहाँ से आप अपनी मर्जी चाहे सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने HD 720p सिलेक्ट कर लिया। यहाँ से अब सबसे नीचे एक्सपोर्ट पर क्लिक करूंगा। दोस्तों ये अपनी मेमोरी में डाउनलोड होने लग गई। आज के लिए बस इतना ही। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि मेरी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके, और वीडियो को थोड़ा बहुत शेयर भी कर दीजिए। सो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।